हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। आज के हम इसमें बात करने वाले हैं कार्यपालक सहायक की आई हुई एक नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ रही है और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे आपको फिलअप करनी है। इसका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है और इसका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, क्या इसकी टाइपिंग स्पीड होगी और लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फी क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको क्या ये परमानेंट जॉब है, संविदा पर आधारित है कि परमानेंट है, इसकी सैलरी क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड वाले बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे, कोई भी वीडियो इस तरह से मिस ना हो। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं हूं यहाँ पे राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे ऊपर में ही सबसे पहले दिखाई दे देगा एडवर्टाइजमेंट फॉर द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पोजीशन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स तो यहाँ पे दो तरह की वैकेंसी निकली हुई है, एक यहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट स्टेट लेवल, साथ से यहाँ पे अकाउंटेंट्स का भी यहाँ पे निकला हुआ है स्टेट लेवल और अकाउंट्स ऑफिसर का भी यहाँ पे स्टेट लेवल पे यहाँ पे चार वैकेंसी निकाली गई है। फ्रेंड्स मैं आपको इसमें एक लाइव डेमो के साथ फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम यहाँ पे नोटिस एंड स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पोजिशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले नोटिस जारी हो जाएगा। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन है, आप इसे एक बार पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद से एक सुनिश्चित कर लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता देना चाहूंगा ताकि वीडियो बड़ा ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे मंथली सैलरी बताया गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ साथ टैली का सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी होना चाहिए, साथ साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आप अकाउंट्स स्टेट लेवल से आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे 25,000 सैलरी यहाँ पे मिलेगा आपको। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन इन कॉमर्स मांगा गया है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हैं साथ साथ टैली भी किए हैं तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो है स्टेट लेवल के हैं उनके यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है और उनको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग रखी गई है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल अगर कार्यपालक सहायक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है, साथ साथ यहाँ पे हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी मांगा गया है। तो फ्रेंड्स टाइपिंग बहुत ही आसान है, आप इजिली यहाँ पे टाइप कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में 20 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको यहाँ पे टाइपिंग करना है। 80% एक्यूरेसी यहाँ पे मांगी गई है तो बहुत ही ईजी है। और हम बात कर लेते हैं पोस्ट की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 38 पोस्ट है और स्टेट लेवल पे 12 पोस्ट है और अकाउंट्स के लिए 2 है और अकाउंट्स ऑफिस स्टेट के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। आप यहाँ पे कास्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप वैकेंसी को डिटेल्स को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट की, तो ये 17 मार्च से यहाँ पे आवेदन शुरू हो रहा है और लास्ट डेट इसका जो है आप देख सकते हैं क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन 7 अप्रैल 2020 रखा गया है और ऑनलाइन एग्जाम जो होगा इसका 5 मई को ले लिया जाएगा। ये टेंटेटिव है, ये आगे पीछे भी हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं कैसे आवेदन करना है, तो इसी वेबसाइट पे आना है आपको और नीचे में एक लिंक दिख जाएगा ऑनलाइन अप्लाई, इस पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन होगा और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन एंड डेट, यहाँ पे 7 अप्रैल लास्ट डेट है, यहाँ पे 5 बजे तक यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं शाम को। और यहाँ पे भी आप नोटिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत इजी है। अब हम यहाँ करेंगे अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो एक और इस तरह से वेबसाइट ओपन होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू कैंडिडेट्स रजिस्टर नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले पूछेगा कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आप जो भी यहाँ पे आवेदन करेंगे आप देख लेंगे किस पोस्ट के लिए आप इलिजिबल हैं, क्वालिफिकेशन अपना चेक कर लेंगे, उसके बाद से यहाँ पे चूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पे आवेदन करूंगा और उसके बाद से पूछ रहा है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है। ठीक है फ्रेंड्स तो मैं यहाँ पे अपना होम डिस्ट्रिक्ट चूज करूंगा, उसके बाद से यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपसे पूछेगा, तो ग्रेजुएशन ऑलरेडी इसमें मांगा गया है तो मैं एक ही ऑप्शन आ रहा है ये मैं चूज कर लूंगा। उसके बाद से पूछ रहा है डू यू पोजेस लाइकली टू पोजेस 1 ईयर बिफोर एडवर्टाइजमेंट डाटा एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे आपको यस कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पे आर यू इंडियन सिटीजन, क्या आप इंडियन सिटीजन है तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद से पूछ रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, फ्रेंड्स आप अदर स्टेट के भी हैं तो यहाँ पे आप
आवेदन कर सकते हैं, यहाँ कोई बर्डन नहीं है। मैं यहाँ पे करूंगा यस, उसके बाद से यहाँ पे कैटेगरी आपको चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, बीसी ईबीसी क्या है आपका कैटेगरी, ये आपको चूज करनी है। उसके बाद से पूछ रहा है डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर फ्रीडम फाइटर, यहाँ पे फ्रीडम फाइटर का अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस नो में आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद से आपको क्या करना है यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड, फ्रेंड्स यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड भी आवेदन कर सकता है, उनको अलग से रिजर्वेशन मिलेगा, तो आप जरूर यहाँ पे फॉर्म फिलअप करें अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है, इस तरह के क्वालिफिकेशन रखे हैं तो। तो मैं यहाँ पे नो करूंगा। एक्स सर्विस मैन भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे मैं नो करूंगा, आप चूज करें अपने अनुसार। उसके बाद से यहाँ पे जो ऑप्शन आएंगे फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम आपको फिल करना है, उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपना चूज करना है, उसके बाद से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना जेंडर चूज करना है मेल फीमेल, उसके बाद से यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो अपना यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद से यहाँ पे सेम वही ईमेल आईडी कन्फर्म आपको करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी अपना लिखा और उसके बाद से मैंने कन्फर्म यहाँ पे ईमेल आईडी भी लिखा, तो इस तरह से आप अपना ईमेल आईडी लिखेंगे। उसके बाद से अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे 10 अंकों का, उसके बाद से ये कैप्चा कोड दिख रहा है, ये आपको सेम सेम वैसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे कैप्चा में लिखा गया है, उसके बाद से टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सबमिट एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं इसे फिल करके आगे का प्रोसेस आपको मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने सब चीज यहाँ पे फिल कर लिया, अब यह करेंगे सबमिट एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो चुका है। आपको क्या करना है इसको कॉपी करके रख लेनी है, अदरवाइज आप अपने मोबाइल को भी चेक कर सकते हैं या ईमेल आईडी को भी चेक कर सकते हैं, उस पर आपका पासवर्ड के तौर पे और एप्लीकेशन नंबर भी चला गया होगा, आप एक बार जरूर चेक कर लें। फ्रेंड्स अगर नहीं आता है तो क्या करें, आप इस एप्लीकेशन नंबर को एक बार रख लेंगे कॉपी करके, या जैसे भी हो आप इसे कॉपी कर ले या लिख ले, और उसके बाद से आप इसे आगे क्या करना है, अब आपको क्या करना है लॉग इन टू कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है और डेट ऑफ बर्थ चूज करना है, और उसके बाद ये जो कैप्चा है ये आपको यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे लॉग इन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं इसे फटाफट लिख के और लॉग इन करता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो मैंने यहाँ पे फिल कर लिया, डेट ऑफ बर्थ उसके बाद से कैप्चा मैंने फिल कर लिया, अब यहाँ करेंगे लॉग इन। जैसे यहाँ पे लॉग इन करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे लॉग इन हो जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल सिंपल मात्र 4 स्टेप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। लास्ट जो स्टेप है यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स है, आपके यहाँ पे ऊपर में नाम शो करेगा, कैंडिडेट्स नेम भी शो करेगा। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नीचे में आप आएंगे यहाँ पे सिंपल आप सब चीज फिल कर चुके हैं। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना फादर नेम फिल करना है, उसके बाद से मदर नेम, उसके बाद से मैरिटल स्टेटस मतलब आप शादी है कि अनमैरिड है कि मैरिड है, तो ये आपको चूज करना है। उसके बाद से आधार नंबर आपको यहाँ पे नेसेसरी है ये आपको लिखना है, उसके बाद से अपना एड्रेस लिखेंगे लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, तो आप अपना विलेज पोस्ट थाना डिस्ट्रिक्ट ठीक है ना, यहाँ पे स्टेट अपना चूज करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, ये देख सकते हैं आगे ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद से पिन कोड डालेंगे, जो भी आपका पिन कोड है एरिया पिन कोड है वो अपना यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपका यहाँ पे कोरस्पोंडेंस एड्रेस और यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है तो यहाँ पे आप टिक करेंगे तो सेम सेम यहाँ पे लिख जाएगा, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है और यहाँ पे सब चीज यहाँ पे सेम सेम ऊपर जो लिखा था मैंने यहाँ पे सेम सेम ऑटोमेटिक लिख दिया। उसके बाद से आपको अपना यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स को फिल करनी है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मैट्रिक का यहाँ पे नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे ऑलरेडी ये फिलअप है, इसको नहीं फिल करना है। यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं आप मैट्रिक किस यूनिवर्सिटी से पास किए हैं, यहाँ पे रेगुलर है या पार्ट टाइम है या डिस्टेंस है तो आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद से पासिंग ईयर क्या है तो ये आप अपना पासिंग ईयर लिखेंगे, उसके बाद से यहाँ पे मार्क्स स्कोर यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है कि आपने कितना नंबर स्कोर किया या मार्क्स क्या था उसका, या अगर आप जैसे कि सीबीएसई से हैं या कोई ग्रेड वाला है तो आप परसेंटेज इसमें लिख सकते हैं या सीजीपीए भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसी तरह सेम सेम आपको अपना इंटर का यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी और उसके बाद से ये पार्ट टाइम है कि फुल टाइम है, और उसके बाद से पासिंग ईयर आपको यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद से यहाँ पे अपना परसेंटेज लिखना है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे 60% लिख दिया, और यहाँ पे मार्क्स स्कोर की बात की जाए तो आप यहाँ पे अपने अनुसार आप यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह आपको ग्रेजुएशन डिग्री का यहाँ पे बताना है कि नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन यानी
क्या है, देखिए यहाँ पे इंटर वाला और मैट्रिक वाला देख रहे हैं, और हाईलाइट है इसको आपको छोड़ देना है। और नेम ऑफ द डिग्री क्वालिफिकेशन क्या है, तो ग्रेजुएशन डिग्री में आप क्या किए हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए आप जो भी सब्जेक्ट से आप क्वालिफिकेशन है, बीए या बीएससी है, इस तरह से आप अपना लिख सकते हैं, या बीसीए है या बीकॉम, जो भी आप किए हैं यहाँ पे आपको एक डिग्री में लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे बीए किया हूँ, सिंपल आर्ट से जो ग्रेजुएशन होता है वो, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद से आपको यहाँ पे सेम वही लिखना है, रेगुलर या पार्ट टाइम या फुल टाइम। उसके बाद से पासिंग ईयर क्या आपकी, ये आपको यहाँ पे लिखना है, और कितना परसेंट आपने डिग्री में लिए हैं वो आपको लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद से यहाँ पे अपना मार्क्स स्कोर भी टोटल लिख सकते हैं, कितना आपने स्कोर गेन किया है। अब आपको बात आती है फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट प्रिफरेंस फॉर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिया गया है कि आप सबसे पहला प्रिफरेंस किसे देना चाहते हैं। तो आप बारी बारी से जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बर्डन नहीं है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे बारी बारी से एक एक करके चूज कर ले रहा हूं कि मेरे को ये डिस्ट्रिक्ट चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं आई एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे का प्रोसेस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आपको पढ़नी है, और यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पे चिपकानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो का साइज क्या होना चाहिए, 200 dpi पे स्कैन होना चाहिए, और ये साइज है, विड्थ और हाइट यहाँ पे आपको बनानी है। और उसके बाद से यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, फोटोग्राफ शुड बी रिसेंट मतलब नया होना चाहिए, पासपोर्ट साइज होना चाहिए, लुकिंग डायरेक्टली ऑन कैमरा, कैमरा के सामने दिखा होना चाहिए, और कलर होना चाहिए अगेंस्ट अ व्हाइट या लाइट बैकग्राउंड, या तो व्हाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए या किसी अदर अच्छे बैकग्राउंड यानी लाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो आपका होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फोटो को चूज करूंगा और उसके बाद से सिग्नेचर को यहाँ पे मैं अपलोड करूंगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना फोटो चूज कर ले रहा हूँ, और उसके बाद से मैं यहाँ पे चूज करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपलोड वाले बटन पे क्लिक करना है। इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोटो अपलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड हो गया। सेम उसी तरह आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर चूज करना है, देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है फोटो सिग्नेचर अपलोड करना, बहुत ही इजी वे में आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैक्सिमम साइज रखा गया 500 KB। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लिया हूं। अब यहाँ करूंगा सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे एक बार अच्छे से मिलाएंगे क्या इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे सुधार कर सकते हैं, और यहाँ पे सुधार करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक नहीं है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको टिक करना है और कंटिन्यू टू पेमेंट वाले बटन पे क्लिक करके आगे आपको पेमेंट करनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सब चीज मिला लिया, सब चीज सही है मेरा। अब मैं यहाँ पे करूंगा टिक वाले बटन पे क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू टू पेमेंट वाले बटन पे क्लिक करना है। इसमें जैसे मैं क्लिक करूंगा फ्रेंड्स, ये चला जाएगा पेमेंट वाले मोड पे, और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स अमाउंट टू पे यहाँ पे दिखा रहा है 300 रुपए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बीसी चूज किया हुआ था। फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लेते हैं पेमेंट की, तो पेमेंट यहाँ पे जनरल ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे 300 रुपए लगेंगे, और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकेप्ड और फीमेल के लिए यहाँ पे 150 रुपए का पेमेंट यहाँ पे रखा गया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट स्टेप जो है यहाँ पे पेमेंट करना है, यहाँ पे क्लिक टू पे वाले बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओके करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आप चले जाएंगे पेमेंट गेटवे वाले मोड पे, और यहाँ पे आपको अपना नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड ऑप्शन से यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। जिसे आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कैश वॉलेट का भी ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, कार्ड्स का ऑप्शन है, यहाँ पे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड आप चूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग माध्यम से कर सकते हैं, कार्ड या वॉलेट जो है जो भी आपके पास है, या आप ईएमआई के माध्यम से भी यहाँ पे ऑप्शन है, बट बेहतर रहेगा आप कार्ड से पेमेंट करें या नेट बैंकिंग से करेंगे, ये अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट करने के बाद से आपको लास्ट में अपना फॉर्म को प्रिंट आउट करके रख लेनी है, ये आपको एग्जाम के बाद जो काउंसलिंग होगा उस समय आपको लगेंगे ये एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप इसे पेमेंट करने के बाद से एक अपना पास प्रिंट आउट रख लेंगे। हम बात किए थे फ्रेंड्स स्टार्टिंग में कि क्या एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, संविदा पे है, या ये लाइफ टाइम के लिए आपको वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जान लीजिए जो वैकेंसी है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना का माध्यम से ये लिया जा रहा है, थ्रू BSSSB यानी बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से ये वैकेंसी लिया जा रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडर में है, और
उसका जो मेन मकसद है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना को चलाना। फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफिसर अकाउंट्स एंड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल ऑन कंट्रेक्चुअल बेसिस इनिशियली फॉर 3 ईयर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो वैकेंसी है कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है और यहाँ पे 3 साल के लिए आपको ये बहाली की जाएगी डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस कंटिन्यूस फॉर द प्रोग्राम एंड सेक्शन ऑफ द पोस्ट अंडर ABPMJY थ्रू द स्टेट एंड हेल्थ एजेंसी। फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी है कंट्रेक्चुअल बेसिस है आपको साफ साफ यहाँ पे क्लियर हो गया, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नए जॉब के साथ नए वैकेंसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉर एवर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें जो इस तरह के फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, इस तरह की वैकेंसी को पाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वैकेंसी के साथ, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।